हेलो, आप दिख रही है? अंशुल, हाँ, स्क्रीन विजिबल है। हेलो, यस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ए ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी सर, यस सर, विच इज परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। मींस क्या है? सपोज करो ये बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हुए है ना, तो अगर ये ब्लैक बॉडी है तो जितने भी रेडिएशन इसमें इंसिडेंट हुए वो सारे अब्जॉर्व हो जाएंगे। ट्रांसमिटेड जो भी रेडिएशन होंगे वो जीरो, और रिफ्लेक्टेड भी जीरो, कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, ये भी जीरो होगा, सारे वो अब्जॉर्ब कर लेगी। उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हुए हैं उनको वो बाद में एमिट भी, सबको मैक्सिमम एमिटर भी होती है, मतलब जो बॉडी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करती है उतना ज्यादा एमिट भी करती है। ठीक है। इट हैज एन आइडियल सरफेस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या होती है? ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एट ऑल वेवलेंथ। सारी वेवलेंथ की मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर लेती है ना। एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड वेवलेंथ नो बॉडी कैन एमिट एनर्जी मोर देन दैट ऑफ ब्लैक बॉडी। है ना? सपोज अपन अलग अलग तरह की बॉडी लेते हैं, अगर ब्लैक बॉडी भी लेंगे साथ में तो जितनी रेडिएशन ब्लैक बॉडी एमिट करेगी कोई दूसरी बॉडी नहीं कर पाएगी, यानी मैक्सिमम एमिटर भी वही होगी, जो एब्जॉर्बर होगी वही एमिटर भी मैक्सिमम होती है। ऑल्दो द रेडिएशन एमिटेड बाई ए ब्लैक बॉडी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ए ब्लैक बॉडी नेदर रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट्स एनी अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सपोज करो ये ब्लैक बॉडी है ना, तो जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होंगी वो सारी अब्जॉर्ब भी होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी कोई भी, रिफ्लेक्ट भी जीरो होंगी और ट्रांसमिट भी जीरो होंगी। इन एक्चुअल नो सरफेस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज मेंशन अबव फॉर ए ब्लैक बॉडी। आइडियल लेते हैं अपन, आइडियली कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती, लेकिन नियर बाई ब्लैक बॉडी जो होती है अपन उसको ब्लैक बॉडी अज्यूम करते हैं। द टर्म ब्लैक इज डिफरेंट फ्रॉम विजुअल ऑब्जर्वेशन। ए सरफेस इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक अपीयर्स टू बी ए ब्लैक इन कलर टू द ह्यूमन आई इन विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, बट टर्न्स आउट टू बी ब्लैक फॉर थर्मल रेडिएशन इन सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। ऑन द अदर हैंड द आईज एंड स्नो अपीयर क्वाइट ब्राइट टू ह्यूमन आईज बट ऑलमोस्ट ब्लैक टू थर्मल रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ। आइस एंड स्नो, ये ब्लैक बॉडी की तरह वर्क करते हैं, मतलब रेडिएशन को अब्सॉर्ब भी कर लेते हैं और एमिट भी करते हैं, फ्रॉम लैम्डा जीरो टू इंफिनिटी ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। कंसीडर ए रेडिएशन बीम एंटर द केविटी ऑफ एन इनक्लोजर, इट एक्सपीरियंस मेनी रिफ्लेक्शंस विद इन द इनक्लोजर एंड ऑलमोस्ट एंटायर बीम इज अब्सॉर्ब बाय द केविटी। इसका डायग्राम नहीं है, सपोज करो इस तरह की बॉडी है, कोई भी रेडिएशन
इसमें एंटर हुई है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यू स्ट्राइक करती हुई सारी अब्सॉर्ब हो जाएगी है ना, लास्ट में जीरो हो जाएगी है ना, पर अंदर अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी विद इन द इनक्लोजर है ना, इंटायर बीम ही अब्सॉर्ब, और ये केविटी पूरी इंटायर बीम को अब्सॉर्ब कर लेगी। तो इसको अपन बॉडी को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। All surfaces at a temperature above absolute zero temperature emit energy in all directions over a wide range of wavelength. At a given temperature, the total amount of heat energy emitted by a surface in all direction over entire wavelength per unit area per unit time is called emissive power. एमिसिव पावर क्या हो गई, सपोज करो ये बॉडी है, इसको अपन ने हीट अप किया 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, या उससे ज्यादा, तो ये क्या करेगी, एनर्जी एमिट करेगी ऑल डायरेक्शन में। चलो ठीक है, इंटायर वेवलेंथ मतलब जो ये एनर्जी एमिट कर रही है उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, जीरो से लेके और इंफिनिटी तक सारी वेवलेंथ की एनर्जी एमिट करेंगी है, लैम्डा की वैल्यू है जीरो से लेके इंफिनिटी तक, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना, अगर अपन उसको पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लेंगे तो वो एमिसिव पावर हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ई एमिसिव पावर, ये होगी एमिसिव पावर। ई इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टी, टेम्परेचर लैम्डा वेवलेंथ है। तो स्मॉल ई ये क्या है, एमिसिविटी ऑफ ए सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, लैम्डा है वेवलेंथ माइक्रोमीटर में और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, अच्छा इसमें लैम्डा जीरो टू इंफिनिटी के है, अगर अपन लैम्डा को लिमिटेड कर दें, सपोज करो ओनली लैम्डा की वैल्यू करते थे 100 वाली वेवलेंथ ही देखेंगे, या 201 वाली वेवलेंथ ही देखेंगे अपन ओनली, तो वो क्या हो जाएगी, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। मोनोक्रोमेटिक यानी स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक मानी अपन ने पर्टिकुलर एक रेंज डिसाइड कर दी, जैसे अपन कहते थे 100 से लेके और 1000 के बीच वाली है ना, तो अपन ने एक रेंज डिसाइड कर ली, इन दोनों के बीच में जो भी रेडिएशन होंगी वेवलेंथ की वही मेजर करेंगे, तो वो हो जाएंगी स्पेक्ट्रल हो गई, पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गई मोनोक्रोमेटिक, इनको अपन क्या बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस एट ए गिवन टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज विद द वेवलेंथ। द स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिटेड by a surface at an absolute temperature per unit time per unit surface area per unit wavelength, है ना, इसमें per unit wavelength भी आ गया, बाकी सारी चीजें तो common है लेकिन ये अलग आया per unit wavelength about the wavelength lambda is designated as e lambda, है ना, वो तो watt per meter कह रहा था, इसमें पर माइक्रोमीटर भी आ गया, यानी पर्टिकुलर पर यूनिट वेवलेंथ भी हो गई। देखो ये तो लैम्डा की वैल्यू है, जीरो से लेके लैम्डा तक इंफिनिटी तक, मान लो सपोज यहाँ पे इंफिनिटी आ गया, यहाँ जीरो है लैम्डा, और ये एमिसिव पावर है ई लैम्डा। ये अपन टोटल लेंगे तो ये तो ई हो गई है ना, एक ही वैल्यू हो गई,
और अगर पर्टिकुलर लैम्डा के लिए लेंगे तो ई लैम्डा होगी, जैसे अपन ने ये वाला जोन लिया है ना, तो ये ई लैम्डा हो गया, पर यूनिट वेवलेंथ हो गई है, लैम्डा से डिवाइड करने के बाद ये आएगा। देखो ये अब्सॉर्बिटी जो भी सपोज करो ये रेडिएशन है 100 है ना, रिफ्लेक्टेड हो गए इसमें से 30 और 30 अब्सॉर्ब हो गए और 40 ट्रांसमिटेड हो गए, तो इसकी अब्सॉर्बिटी क्या होगी 30/100 अब्सॉर्ब अपॉन टोटल इंसिडेंट है ना, और रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी 30/100 जो रिफ्लेक्ट हुए अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, और ट्रांसमिसिविटी ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट टोटल इंसिडेंट हुए, तो इसमें अब्सॉर्बिटी निकालेंगे जी अल्फा अपॉन जी, जी अल्फा की वैल्यू ये वाली हो गई और जी ये हो गई टोटल है ना, इस तरह से रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्ट अपॉन टोटल है ना, ट्रांसमिसिविटी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल, तो उससे आ जाएगी ट्रांसमिसिविटी है ना। और टोटल कितने, टोटल जी के इक्वल हो जाएगी जी अल्फा जी रो और जी टॉप इक्वल टू जी है ना, अगर इनको जी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस रो प्लस टॉप इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या है जी अल्फा अपॉन जी, रो क्या है जी रो अपॉन जी, जी तो टोटल रेडिएशन है और जीरो पर्टिकुलर अब्सॉर्ब भी हो सकती है, ये ट्रांसमिट हो गई है और एक रिफ्लेक्ट हो गई है ना, तीन तरह की है, टॉ क्या हो जाएगा जी टो अपॉन जी, ठीक है, ये तो अब्सॉर्ब है ना और ये रिफ्लेक्टेड है, ये तो अब्सॉर्ब हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई और ये ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटिक लेते हैं, नहीं ये तो टोटल आ गई, अब पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हो जाएगी तो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी वो, जी लैम्डा है ना पर यूनिट वेवलेंथ, जैसे अल्फा लैम्डा हो जाएगी स्पेक्ट्रल एब्सॉर्बिटी फ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टिविटी फ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, स्पेक्ट्रल ट्रांसमिटिविटी फ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक एनर्जी ट्रांसमिटेड, तो अल्फा लैम्डा अल्फा रो और अल्फा लैम्डा रो लैम्डा टो लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगी, लैम्डा यानी पर यूनिट वेवलेंथ है ये, ठीक है। The average absorptivity, reflectivity and transmissivity of a surface can also be represented in terms of their spectral counterparts as, अच्छा ये तो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल हो गया, अब अल्फा अपन निकालें, इससे अपन अल्फा भी निकाल सकते हैं है ना, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है, अब अगर इसका अपन इंटीग्रेशन कर दें जीरो से लेमडा तो अल्फा आ जाएगा जो शुरू में अल्फा था ना, और नीचे वाली जो टोटल वेवलेंथ है उसको भी इंटीग्रेशन करते हैं जीरो से लैम्डा डी लैम्डा, तो जी लैम्डा की जगह तो जी हो जाएगा है ना, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन करेंगे अपन अल्फा लैम्डा जी लैम्डा और
डी लैम्डा, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपॉन, इसका भी जीरो से इंफिनिटी तक जी लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। तो ये जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे इससे क्या वैल्यू आएगी ये अल्फा की, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा की जी अल्फा अपॉन जी, ये तो जी हो जाएगी ये वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी जी अल्फा, ठीक है। जी लैम्डा का अपन इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, ये डायग्राम से ये देखो ये जी लैम्डा है पर्टिकुलर लैम्डा पे, है ना। सपोज करो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है अपन ने पर्टिकुलर लैम्डा पे लिया है तो ये इसकी वैल्यू है जी लैम्डा, और ये टोटल वैल्यू क्या है जीरो टू इन्फिनिटी, ये जो टोटल वैल्यू है ये जी, अगर जी लैम्डा का इंटीग्रेशन करते हैं जीरो टू इन्फिनिटी जी लैम्डा इंटू डी लैम्डा इंटीग्रेशन करते हैं जीरो टू इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा ये जी इक्वल टू हो जाएगा जी, और जी क्या है जीरो से इन्फिनिटी तक पूरी वैल्यू जो है, ठीक है। और इसमें जी अल्फा क्या है ये देखो इस तरह का था, है ना। सपोज करो ये तो जी लैम्डा था, है ना, तो ये टोटल जी आ गया, इसमें अल्फा क्या है कुछ पोर्शन है, सपोज करो 20% या 30% है जो अब्सॉर्ब हुआ, वो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए था, उसका भी अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो जी अल्फा आ जाएगा ये इस तरह से, ये जी अल्फा जी लैम्डा अल्फा लैम्डा, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, और ये भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, इनका इंटीग्रेशन करेंगे सारी वेवलेंथ के लिए आ जाएगा कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये तो एब्जॉर्ब के लिए और ये रिफ्लेक्ट, है ना, और ये ट्रांसमिट, है ना। अब आते हैं ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी क्या होती है, देयर इज नो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टिविटी एंड अब्सॉर्प्टिविटी आर ओपेक बॉडी क्या होती है, सपोज करो ये बॉडी है ये ओपेक है, ओपेक का मतलब क्या है, इसमें जो भी रेज इंसिडेंट होंगी या तो वो अब्सॉर्ब होंगी या रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो ट्रांसमिट होंगी वो जीरो, ट्रांसमिट नहीं होगी कोई भी रे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी के लिए टॉ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अगर टॉ की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है ओपेक है वो, अल्फा प्लस रो इक्वल टू वन हो जाएगा, और मोनोक्रोमेटिक के केस में अल्फा लैम्डा रो लैम्डा इक्वल टू वन, ठीक है, ये तो ओपेक बॉडी होगी। नेक्स्ट है व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी में क्या होगा, ए बॉडी इज कॉल्ड व्हाइट बॉडी विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल रेडिएशन, है ना, तो कोई भी बॉडी पे अगर रेस एंटर हुई और वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी बॉडी होगी व्हाइट, यानी अब्सॉर्ब और ट्रांसमिट ये दोनों जीरो हो गए, अब्सॉर्ब के केस में रो जीरो हो गया और ट्रांसमिट यानी टॉ जीरो हो गया, नहीं रो नहीं रो तो है ये अल्फा जीरो हो गया, है ना, ओनली रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट के केस में क्या हो गया फिर रो की वैल्यू वन हो गई, रो की वैल्यू वन होगी, रिफ्लेक्टिविटी है ये, है ना, 100% रिफ्लेक्ट करेगी, इसको क्या बोलेंगे अपन व्हाइट बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी अपन ने डिस्कस किया था,
बॉडी वो 100% अब्सॉर्ब कर लेगा, है ना, 100% अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब्सॉर्ब का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 है तो बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, रो 0 और टॉ भी 0। ठीक है, हेलो अंशुल। यस सर, नोट किया ये तीनों, ओपेक व्हाइट एंड ब्लैक। हाँ सर, एग्जाम्पल है, ठीक है, द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस रेडिएशन है शोन इन फिगर। ठीक है, लैम्डा दे रखा है अपन को और जी लैम्डा दे रखा है, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू है 0 to 25 और जी लैम्डा है 0 to 1000। व्हाट इज टोटल रेडिएशन, इसको क्वेश्चन को नोट करो और निकालो टोटल रेडिएशन क्या होंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल निकालने के लिए अपने पास 3 हो गए, फर्स्ट ये, सेकंड और ये हो गया थर्ड। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ 0 to 5, तो 5 हो गया। अच्छा, और ये हाइट कितनी होगी, 1000। इसका एरिया 20 - 5 यानी 15। फोन करना, पेज चाहिए तो लीगल वाला। 15 into 1000 और इसका एरिया कितना हो गया, 5 25 - 20 यानी 5 into 1/2 into 1000। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया और ये इसका एरिया। कितना आएगा, 20,000। जी इक्वल टू 0 to λ, जी लैम्डा डी लैम्डा, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 to ∞, जी लैम्डा डी लैम्डा। फर्स्ट में 0 to 5 आएगा, फिर 5 to 20 और 20 to 25। ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट है 1000 और ये इसका कितना होगा, बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 20 - 5 यानी 15 इनटू हाइट है 1000। ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15000, तो ये हो गया और इन दोनों को मिला के 5000 यानी 20000 हो गया। सॉल्व किया, ये फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो, है ना। जी की वैल्यू अपन को निकालनी है, जी लैम्डा और डी लैम्डा की वन है अपन को, है ना। जी लैम्डा क्या है, ये जो वैल्यू है ये जी लैम्डा है, ये वाली है ना, ये जी लैम्डा है और ये डी लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू, और ये जी लैम्डा, जी लैम्डा की वैल्यू कितनी है, इस तरह से वेरी कर रही है, ये जी लैम्डा की वैल्यू है और ये लैम्डा की वैल्यू है।
सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ।